नमस्कार दोस्तों, इनके मॉनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की छोटी और बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन चाणक्य नीति के रचयिता आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनका अनुसरण करके व्यक्ति कई समस्याओं से दूर रह सकता है। दोस्तों, वैसे ही आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी घटनाओं या ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिन्हें व्यक्ति को किसी के सामने कभी बताना नहीं चाहिए, उसे इनको हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नंबर एक, अपने जीवन में कोई अपमान की बात। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं जब किसी कारण से हमारा उपहास किया जाता है, यानी हमें मजाक का पात्र बनना पड़ता है और अपमान का घूंट पीकर रहना पड़ता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, ऐसी अपमान की बातों को दूसरों के साथ कभी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों को दूसरे लोगों को बताने से आप पुनः उपहास के पात्र बन सकते हैं, क्योंकि लोगों को आपके अपमान से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, ज्यादातर लोग दूसरों को सांत्वना देने की बजाय उनसे आंतरिक रूप से जलन और दुश्मनी का भाव रखते हैं, इसलिए अपने अपमान की बात दूसरों के सामने कह देने से समय आने पर वो दूसरा व्यक्ति अन्य लोगों के सामने आपका मजाक बना सकता है। और वैसे भी जीवन में दूसरों के साथ सकारात्मक बातों को शेयर करना चाहिए, ना कि अपमानजनक बातों को। इसलिए यदि ऐसी अपमान की घटना हो जाए तो उसे किसी को भी बताना नहीं चाहिए। नंबर दो, अपने परिवार की निजी और गोपनीय बातें। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घर का भेदी लंका ढाए, इसलिए अपने घर, परिवार और परिवार के सदस्यों की निजी और गोपनीय बातों को, अपनी पत्नी के चरित्र और स्वभाव के बारे में कोई भी बात बाहरी लोगों के सामने कभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, घरों में ज्यादातर क्लेश का कारण आपसी झगड़ा नहीं होता, बल्कि किसी व्यक्ति के चुगली करने या बातों का बतंगड़ बनाने के कारण होता है। दोस्तों, यदि घर की गोपनीय बातें बाहर के लोगों को पता चल जाएं, तो वो षड्यंत्र करके घर के लोगों में फूट डालने और झगड़ा करवाने का कार्य करते हैं, और इस तरह परिवार की छोटी बड़ी सभी बातें बाहरी लोगों में फैल जाती हैं। दोस्तों, विशेष करके अपनी पत्नी के स्वभाव और उसके चरित्र के बारे में कोई भी बात किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी के बहुत गहरे संबंध होते हैं। पत्नी का अपमान उसके पति के अपमान जैसा होता है, इसलिए बाहरी समाज के लोगों में या घर के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पत्नी के स्वभाव या घर की कोई अन्य निजी और गोपनीय बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। नंबर तीन, अपने पर्सनल दुखों के बारे में किसी से ना कहें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने मन के किसी दुख या तकलीफ के बारे में हर दोस्त और रिश्तेदार या परिजनों से चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके दुख कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने मन में रखकर उस समस्या या तकलीफ का समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, कई लोगों की यह आदत होती है कि वो छोटी बड़ी सभी समस्याओं के बारे में किसी को बता देते हैं और अपने हर दुख दर्द को और तकलीफ को वो दूसरों को बताते हैं, लेकिन दोस्तों, अन्य लोगों के पास ये सारी कहानियां सुनने के लिए समय नहीं होता, और वो आपके सामने आपकी सहानुभूति तो दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका उपहास यानी मजाक बनाएंगे। इसलिए अपने मन की तकलीफ के बारे में केवल अपने बहुत करीबी और बहुत भरोसेमंद साथी को बताना उचित होता है। नंबर चार, धन संपत्ति के नुकसान के बारे में। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम अपने व्यवसाय या व्यापार में किसी कारणवश
या घाटा होने की वजह से बहुत बड़े आर्थिक नुकसान में आ जाते हैं और हमारी सारी धन संपत्ति हाथ से चली जाती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमारा मानसिक संतुलन डमाडोल हो जाता है और हिम्मत भी टूट जाती है। ऐसी स्थिति के बारे में किसी भी व्यक्ति से चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी गरीबी की स्थिति बताने पर लोग आपके सामने आपको सांत्वना तो देंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक करेंगे, कोई भी सहायता नहीं करेगा, बल्कि लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए अपने आप को दीन दुखी और मजबूर बताने की बजाय अपने मन में हौसला रखते हुए समस्या का समाधान सोचना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपके मन में इच्छा शक्ति होगी तो धन संपत्ति की हानि को आप फिर से दूर कर सकेंगे। दोस्तों, जीवन में ऐसी ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन इसे सभी लोगों के सामने चर्चा का विषय ना बनाएं, अन्यथा आप मजाक के पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।